आप देख रहे हैं दखल न्यूज। सिंधी सेंट्रल पंचायत बीजेपी नेता रामेश्वर शर्मा के खिलाफ एफआईआर करवाना चाहती है। सिंधी समुदाय रामेश्वर शर्मा की एक टिप्पणी से आहत है और अब आर पार के मूड में भी है। बीजेपी नेता रामेश्वर शर्मा द्वारा सिंधी समाज के प्रति की गई गाली गलौज और अभद्र टिप्पणी के संदर्भ में थाना संत हिरदाराम नगर में एफआईआर और निर्वाचन आयोग में शिकायत दर्ज कराने के लिए सिंधी समाज के सदस्य एवं कांग्रेस नेताओं ने थाना संत हिरदाराम नगर पहुंचे। सिंधी सेंट्रल पंचायत के अध्यक्ष भगवान देव इसरानी ने कहा कि रामेश्वर शर्मा ने सिंधी समाज को गाली दी है और हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हमने थाने पहुंचकर कि रामेश्वर शर्मा जो विधायक हैं और प्रदेश पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ शिकायत की है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने जो बयान सिंधी समुदाय के दिए हैं, जो धार्मिक भावनाएं भड़काई हैं, जो दो समुदायों को तोड़ने का जो प्रयास किया है, जो गाली गलौज की है, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। हम इस बात पर भी आश्चर्य व्यक्त करते हैं कि ऐसे बयान पार्टी के जानकारी में आ जाने के बावजूद रामेश्वर शर्मा के खिलाफ पार्टी द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, जबकि पार्टी को ये मालूम है कि तन मन धन और आचरण से 70 साल से सिंधी समुदाय उनके साथ जुड़ा रहा है। उसके बावजूद पार्टी ने अभी तक कोई कार्रवाई न करना निश्चित ही और निराशा का विषय है। हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी ज्ञापन दे रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष को भी ज्ञापन दे रहे हैं कि 48 घंटे के अंदर अगर रामेश्वर शर्मा के खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई नहीं की गई तो सिंधी समाज कुछ भी अपने निर्णय लेने के लिए बाध्य होगा। 48 घंटे तक भारतीय जनता पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की, उस कार्रवाई का सेंट्रल सिंधी पंचायत ने इंतजार किया। उसके बाद जो ज्ञापन देने आई, हम पूरे कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता सब सिंधी सेंट्रल पंचायत के साथ में है और इस व्यक्ति के विरुद्ध अवहेलना करते हैं और भारतीय जनता पार्टी की भी अवहेलना करते हैं। अमित शाह और रामेश्वर शर्मा के चरित्र में कोई मेरे को अंतर अलग नहीं दिखता, दोनों एक ही चट्टे बुट्टे हैं। अमित शाह का सीखा हुआ आदमी, अमित शाह की ज्ञान सुनो आप, हर कुछ ऐसे ही बोलते हैं। ये उपाध्यक्ष जी के बयान सुनो, यही बोला जाता है। अमित शाह बाहर है, ये रामेश्वर शर्मा में मैं कोई अंतर नहीं समझता। सिंधी समाज ने कलेक्टर, चुनाव आयोग और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष से रामेश्वर शर्मा के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की है। अगर रामेश्वर शर्मा पर कार्यवाही नहीं होती है तो सिंधी समाज बड़ा प्रदर्शन करेगा और बैरागढ़ सहित भोपाल भी बंद करेंगे। संत नगर थाने का घेराव करने के बाद समाज के लोग चंचल चौराहे पर सभा करेंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।